आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल हैं यहाँ के। आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी के ट्रीज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, जानवर बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर में। और ट्रीज़ की वैरायटी तो आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी एंड बहुत अच्छी क्वांटिटी वाइज आपको मिल जाएंगे। हर जगह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वेदर में आने का तो और ही मज़ा होता है। ये सब के सब साल के पेड़ हैं आप लोग जो देख सकते हैं, बड़े बड़े। और इसी वजह से मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और एक तरीके से कह सकते हैं गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है इस साल के पेड़ की वजह से ही। तो देख सकते हैं आप लोग क्या बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है आप लोग। जंगल ही जंगल दिख रहा है हर तरफ, जिधर देखेंगे आप उधर आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा आपको, राइट। कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि एक पुराना एमपी टूरिज़म का रिसॉर्ट था जो पहले कोर जोन के बाहर था, बट अब कोर जोन का क्योंकि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है थोड़े से एरिया को, तो जो अब वो रिसॉर्ट है वो कोर जोन के अंदर आ गया है, इसलिए उन्हें वो रिसॉर्ट छोड़ना पड़ा और वो आज की डेट में खाली खंडर टाइप का है। बट फिर भी देखने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छे लोकेशन में था। पहले अगर हम कभी आते तो हमें एंट्री ज़रूर मिलती, बट वहाँ पर मौका ऐसा मिला नहीं रही। सो आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए आप वो रिसॉर्ट कितना ज़बरदस्त रिसॉर्ट है वाला। ये आप लोग देख सकते हैं यही वो रिसॉर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आज की डेट में किसी खंडर से कम नहीं दिखता है। बट ये एक समय एमपी टूरिज़म का बहुत ही बढ़िया रिसॉर्ट था। क्या लोकेशन थी इस रिसॉर्ट की, देख सकते हैं आप लोग। अभी आपको और बहुत अच्छा व्यू आने वाला है, देखिए आप यहाँ पे रुकते तो मज़ा ही आ जाता रहा। पूरे जंगल के बीचों बीच में था ये रिसॉर्ट, और क्योंकि अब कोर जोन के अंदर है इसीलिए इसको हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि एरिया बढ़ा दिया गया कोर जोन का। देख सकते हैं आप क्या बढ़िया लोकेशन, ये लोकेशन आपने देखी है कभी, ऐसे रुकने में तो मज़ा ही आ जाए जंगलों के बीचों बीच रुकने में, राइट। ये पूरा कमरा रिसॉर्ट था, और आज की डेट में भी आप देखेंगे ना तो आपको इस रिसॉर्ट के अगल बगल में ही आपको हिरन दिख जाएंगे घास चरते हुए। इतनी बढ़िया लोकेशन में था। ये देखिए ये रिसॉर्ट है, ये है रिसॉर्ट वाला, ये रिसॉर्ट है। आप देखिए पूरी एंट्री थी इनकी, सब कुछ था इनका, राइट। यहाँ पर मैं सब कुछ था यहाँ पर, ये भी एक रिसॉर्ट ही है उनका। क्या बढ़िया रिसॉर्ट था, क्या बढ़िया लोकेशन है उन्होंने थी। और वो जो सामने आ रहा है आप देख सकते हैं वो एक्चुअली एक एंट्री गेट था, पहले पुराना एंट्री गेट था, इसीलिए रिसॉर्ट अंदर नहीं बाहर था पहले। लेकिन आज के डेट में वो एंट्री गेट पहले हो चुका है जहाँ पर एंट्री की वहाँ पे, इसीलिए वो जो रिसॉर्ट है इसको उन्हें बाहर करना पड़ा है रिसॉर्ट। कर गए, ये एक्चुअल में पहले पुराना गेट था जहाँ पे हमने एंट्री किया है, और यहाँ से हमारा सफ़र होता है स्टार्ट। देखिए वाइल्ड बोर दिख रहा है, वाइल्ड बोर। जंगली सुअर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए वाइल्ड बोर है यहाँ पर। आता हुआ चेकॉल रोड को क्रॉस करता हुआ देख सकते हैं आप लोग, चेकॉल रोड को क्रॉस करता हुआ। सुनिए साउंड आप देखिए वहाँ पे जेकॉल की आवाज़ है, वहाँ पे डियर्स है, वहाँ पे सारे सारे वाइल्ड बोर हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आप सुन सकते हैं साउंड, वाइल्ड बोर का, डियर का, सबका साउंड आ रहा है। यही तो मज़ा है असली जंगल में घूमने का। देख सकते हैं कितना
बढ़िया व्यू है, क्या बढ़िया नज़ारा है, इसकी तो मैं फोटो भी खींचूँ। देख सकते हैं आप लोग तो मोर दिखा, रोड क्रॉस करता हुआ मोर दिखा आप लोग, राइट, बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। सो अभी हम लोग कान्हा में चल रहे हैं, कान्हा धुन में हैं, लेकिन अति सुनका है हम वाया किसली होते हुए आए हैं, अभी कान्हा में हैं, फिर कान्हा से जाएंगे हम मुक्की जोन में, तो हमारी एंट्री इस तरीके से होगी। अभी देखा आपने कि रोड में भी कॉफ ने क्रॉस किया, और एक भैया बता रहे थे अभी कि कल शाम को दिखा था किसली में पानी के पास एक पॉन्ड बनाया हुआ है, वहीं पे बैठा हुआ दिखा था पानी टाइगर। तो हमारा टिकट शाम का किसली का भी है, देखिए अगर किस्मत रही तो हमें भी वैसा दिख जाएगा, हो सकता है कल पानी में बैठा हुआ आज शाम को रहे। छोटा सा डियर देख सकते हैं आप लोग, अलग टाइप का है, छोटा सा डियर होते को भाग गया अंदर, माउस डियर था वो, बार्किंग डियर बोल रहे हैं, बार्किंग डियर है वो, चला गया अंदर साइड में चला गया वो, बहुत छोटा सा था वो, खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं वो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो भाग गया, भाग गया वो, भागा भागा भागा। देख सकते हैं आप लोग कि पानी का तालाब है, वहाँ पे भी टाइगर बहुत समय बहुत बार मिलता है, बैठा हुआ मिलता है टाइगर, पानी में ही पानी पीता हुआ या पानी के पास बैठा हुआ, राइट, इस सीज़न में आपको टाइगर पानी के पास बहुत दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ भी अच्छी राइटिंग होती है, ये देखिए कितना बड़ा तालाब है, ये फायर को चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी बार हमने को दिखे टाइगर क्रॉस करते हुए। टीयर्स हैं यहाँ पे, टीयर्स ही टीयर्स हिरन, सबके सब हिरन का झुंड है यहाँ पर, हिरन घास चढ़ते हुए, वाइल्ड मोर भी है उसमें, दो तो वाइल्ड मोर है उसमें, आप लोग अच्छे देखेंगे दिखेगा आपको दो वाइल्ड मोर। फिलहाल तो टाइगर की तलाश जारी है, अभी तक कोई पंजे के निशान भी ज़्यादा दिखे नहीं है, देखते हैं। वो देखिए मोर वहाँ पे पंख फहरा रहा है, डांसिंग, देख सकते हैं आपकी पीकॉक यहाँ पे डांस कर रहा है। पीकॉक डांस करते हुए डांसिंग पीकॉक, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये देखिए, ये देखिए, देखो ये देखो,
बड़ा बढ़िया नज़ारा है। डांसिंग पीकॉक, पंख पूरे फहराते हुए पीकॉक। देखो यहाँ पे हिरन ही हिरन है, वाइल्ड बोर है। हिरन क्रॉस करता हुआ रोड को, हिरन मिलेगा आपको, वाइल्ड बोर मिलेगा आपको, मंकी भी मिलेगा आपको। ये देखो ये वाइल्ड बोर है, दिस इज़ वाइल्ड बोर, दिस इज़ वाइल्ड बोर, दिस इज़ हिरन, सब एक साथ है यहाँ पर, सारे के सारे जानवर हैं। ये देखो साउंड, मंकी वहाँ बैठा हुआ है, वाइल्ड बोर वो जा रहा है, हिरन सब यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर में एक हिरन है जो कि अंदर साइड में छुपे हुए हैं, जिसको हम कोठरी बोलते हैं। वो कोठरी है जो मतलब कि पेड़ के आड़ में छुपी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने उसको देखा है, वो हमें झांक झांक के धीरे धीरे देख रहे हैं, राइट। छोटी छोटी देखो देखो उन्होंने क्रॉस किया देखा, राइट। तो यहाँ पर है जिसको हिरन डियर ही बोलेंगे, राइट। छोटी सी कोठरी कहते हैं हम उसको हिंदी में, राइट। सो दैट इज़ इट। ये लाइन जो होती है इसको हम लोग फॉरेस्ट लाइन कहते हैं, जहाँ पे मतलब फायर लाइन होती है, जिसको बेसिकली दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है यहाँ पर में। सो यहाँ पर में कभी कभी टाइगर क्रॉस करता है। लास्ट टाइम हमें यहाँ पे टाइगर हमें मिला था, जो कि क्रॉस किया था इस पूरे फायर वॉच एरिया को क्रॉस करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हिरन लोग यहाँ पर में भी हैं, जो कि नीचे पे काफ़ी एरिया पर है। मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसमें कि हिरन एक्चुअली दो तीन हिरन हैं। वो थोड़ा अलर्ट भी दिख रहे हैं, मे बी आसपास टाइगर हो, इस कारण अलर्ट रहते हैं वो लोग, राइट। तो उनसे ही पता चलता है कि टाइगर आसपास है कि नहीं, ऐसा करके हमें पता ज़्यादातर इंडिकेशन बाकी जानवरों से पड़ता है, उनकी आवाज़ों से पता चलता है हमें ज़्यादातर सब चीज़ें। सो ये फायर वॉचर लाइन है। कहाँ दिख रहा है? झाड़ी के पीछे अभी खड़ा हो गया, एकदम खड़ा। मेल था, गाड़ी यार हमारी नहीं निकल पाए गया, पानी में जा रहे हैं। बैठने दो एक बार, टाइगर को भी बैठने दो।
बताओ ये कैंटीन है अपनी, मैं कह रहा था उसको पानी में बैठ जाने देना था तो टाइगर नहीं उठता फिर। हाँ फिर नहीं उठता। पीछे लो कैसे मैं तो नहीं वो बैठ गया टाइगर बैठ गया बोले ड्राइवर को कर दिया यार ये सामने आ रहा है। हाँ पकड़े 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 चिल्लाई मत जानवर है ना डायरेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा बेकार। पेड़ है पीछे पीछे करोगे पीछे करना पीछे कर आगे जाइए तो लाइन खाली करवा रहे हैं। हां ठीक है चलो उन लोगों को भी देख लेते हैं। हां अब लीजिए हम लोग पकड़े ये देख भाई पकड़े पकड़ कर उन लोगों को भी देख लेते हैं ना भाई। ठीक है इसी साइड आ रहा है आगे भाई इसी साइड आ रहा है इस साइड आ रहा है।
ठीक है रहने दो। किस गैप पे देखा भी है? ये आ गया। आ सकता है रोड में? आ सकता है रोड में? आ सकता है रोड में? रोड पीछे वो अल्लाह कर देंगे, उन लोग अल्लाह कर देंगे। ये देखो आ रहा है पूरा। ये सबसे अच्छा हो गया आगे बढ़ने का। चुपचाप हो गए लोग। रोड क्रॉस कर रहे हैं। चलो पीछे जा भाई, रोड क्रॉस पीछे लेना। रोड क्रॉस कर, रोड क्रॉस कर। इसके काम पर मत करने की, उसको अपन गाड़ी उसके बराबर ले लेंगे फट से। हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बस 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 रोक दो भैया, रोक दो। रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस। हां अभी रोड ब्लॉक कर दो पीछे। और उल्टा उल्टा देख रहे हैं। लेना है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मत करो अभी, बंद कर। रोड पे आ रहे हैं ना। बस 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 वो रोड क्रॉस कर रहा है ना। बस 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 ये आ रहा है रोड में, आएगा। हाँ हाँ वीडियो ऑन, वीडियो मोड ऑन है। अपना बहुत बढ़िया जबरदस्त काम हो गया अपना, तो वो इधर आएगा, इस साइड में आ रहा है। हाँ वो अंदर चले जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये वो रिसोर्ट है जहाँ पे मैं रुका हूँ। बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है ये, बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट। देख सकते हैं ये हम लोग का रूम है, रूम नंबर 10 है हम लोग का, राइट। बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है ये, मज़ा आ रहा है। इसको मोगली रिसोर्ट के नाम से जानते हैं। कान्हा में है, कटिया गेट में है ये। बहुत ही बढ़िया है, इसमें स्विमिंग पूल भी है, इसमें खाने का पूरा है, ऑडिटोरियम है इसमें, सेंट्रल ऑडिटोरियम भी है इसमें प्रॉपरली। देख सकते हैं झूला वूला भी सब यहाँ पर लगा हुआ है। सो बहुत ही अच्छी जगह है, रुकने के लायक है जगह। बहुत मज़ा आया, हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया अभी, और हमें इन्जॉय करना ही है हमें तो, राइट। अभी तो सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। इस रिसोर्ट में मज़ा आ रहा है रहने में। वाले मुक्ति गेट में हमारे यहाँ का अटल सेवा सागर रिसॉर्ट भी है।
सकते हैं आप लोग कि आज हमारी अगली सफारी चालू हो गई है, जो कि किसली गेट की है हमारी सेकंड सफारी। सुबह की सफारी में तो हमको बहुत ही ज़बरदस्त टाइगर दिखा, पट्टे वाला टाइगर उसका नाम था, जो कि हमें मुक्की जोन में दिखा है। उम्मीद करते हैं कि हमें किसली की सफारी में भी टाइगर दिखे। MJ3 कुछ नाम है जो सुबह किसी को दिखा था, बताया गया था, तो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें दिखेगा। अभी मौसम हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा बूंदाबांदी हुआ है, देखते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, क्या कुछ दिखा हमें नहीं। इंडियन गौर बाइसन क्रॉसिंग द रोड, देख सकते हो आप लोग, बाइसन जा रहा है। यही तो दिखा है, बता दे। Thank you.
बहुत भोले टाइगर को इस तरह देखते रह जाते हैं। वही तो टाइगर को देखते रह जाते हैं पास के कि क्या करेगा देख रहे हैं। बिल्कुल सिंग नहीं है ना इसके, उसका वो ऐसा दांत रहता है उसका। बारहसिंगा राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, काफ़ी क्वांटिटी में बारहसिंगा देख रहे हैं आप लोग को राइट। तो आज हमारी सफारी चालू हो रही है कान्हा कान्हा जोन की, सो देखते हैं कि आज का सफ़र कैसा रहता है। कल तो टाइगर सैटी बहुत अच्छी हुई थी मुक्की में, किसलिए में टाइगर सैटी नहीं हुई हमें, बट कान्हा में चांसेस है बहुत ज़्यादा देखने के। सो आज देखते रहिए मेरा ये वीडियो, आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे जानवर श्योर शॉट दिखेंगे। हो सकता है किस्मत रही तो टाइगर भी दिख जाएगा। हम लोग अभी TV2 को ट्रेस करते हुए जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सब चीतल है यहाँ पर, चीतल है यहाँ पर में, तो यहाँ पर टाइगर नहीं होगा। अब हम एक तालाब के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या वहाँ पर टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता है। वल्चर्स देख सकते हैं क्या, कितनी सारी वल्चर्स बैठी हुई है, वल्चर ही वल्चर बैठी हुई है। वल्चर्स ईगल बोलते हैं इसको, सारी की सारी यहाँ पर बैठी हुई है। साथ में एक बहुत ही बढ़िया जानवर ब्लैक बक मिलेगा। देखिए ब्लैक बक है, ब्लैक बक कितना प्यारा दिखता है। ब्लैक बक को अभी छोड़ नहीं जाना क्या, तीन चार साल हो गए यही पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये सब ब्लैक बक के बच्चे हैं।
उसका लेना मिल्क है ना। मेल की आंखें बड़ी खूबसूरत है। ये आप लोग देख सकते हैं कि श्रवण ताल है। हम लोग अभी श्रवण ताल में आए हुए हैं। यहाँ की गर्मी बहुत ही अनोखी और निराली है और काफ़ी फेमस है। श्रवण ताल काफ़ी फेमस जगह है, आप देख सकते हैं। श्रवण ताल है, टोपी कॉक्स। इसीलिए मैं छोटे छोटे बच्चे हैं तीन। अच्छा अच्छा। You can see the team peacock, three peacocks are there. पीकॉक डांस कर रहा है।
कर रहे हैं बैठ बैठ हाँ हाँ दौड़ आगे दौड़
आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कान्हा का मेन सेंटर है, जिसको यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, जिसको म्यूज़ियम जाना है म्यूज़ियम घूम सकता है। ये अलग अलग क्वार्टर्स है, अलग रेस्ट हाउस है, ये उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क में उन्होंने बनाया हुआ है पूरा पूरा। वहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे सब स्टे करते हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। देख सकते हैं कि एंटीसीडेंट उन्होंने पूरा का पूरा जो हिरन का जो सिंग है उससे उन्होंने पूरा पूरा उसको बनाया हुआ है, हिरन के सिंग से उन्होंने पूरा पूरा बनाया हुआ है उसको, राइट, पूरे चीज़ को उन्होंने बनाया हुआ है हिरन के सिंग से, जिसमें पूरे जो हिरन जब अपने सिंग को गिराता है तो उसको ये लोग पूरा का पूरा बनाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उन्होंने एक डिज़ाइनिंग बनाया है कान्हा के नाम से, तो बहुत अच्छा है। आइएगा तो उसको ज़रूर घूमिएगा कान्हा। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है कान्हा नेशनल पार्क में। हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, बहुत ही अच्छा सफारी रहा, कल हमें टाइगर दिखा, आज भी चांसेस है, देखते हैं टाइगर आज दिखता है कि नहीं दिखता है, लेट्स सी क्या होता है कैसा होता है। कान्हा देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कान्हा है, कान्हा का कैंटीन है यहाँ पे, उनका पूरा का पूरा एक देख सकते हैं कि उन्होंने एक हिरन के जो सिंग होते हैं जो गिर जाते हैं उसे उन्होंने पूरा पूरा बनाया हुआ है, राइट, देख सकते हैं, मैंने पूरा सिंग देखा, ये देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया कंटेंट है। ये कैंटीन है, उसके पीछे भी म्यूज़ियम दिख रहा है आप लोग को, राइट, एंड देन वहाँ पर अलग अलग रेस्ट हाउस है, तो ये सब की सब गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ जो है, राइट, तो बहुत अच्छी जगह है। पानी कारण यहाँ पे नहीं रहता है। कितने हो यहाँ पे बाघ जैसे? वो एक पार्क में पूरे पार्क होल में 118 है सर, जंगल के हिसाब से टाइगर बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरा बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे पूरा कान्हा के बारे में देखा हमने, तीन दिन सफारी की, बहुत मज़ा आया हमें सफारी में।
आप लोग को बहुत सारे एनिमल दिखे, बहुत सारा बेस्ट मोमेंट दिखा, यू विल गेट एनीथिंग राइट नाउ राइट। आपको बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ समझ में आया, तो बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में आपको राइट। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था ये वाला, जिसमें कान्हा के बारे में पूरा बताया गया। किसी को भी कान्हा घूमना है तो डेफिनेटली यू कैन पिंग मी फॉर श्योर टू गेट आइडिया कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं तो कहता हूँ आप सबको आना चाहिए। तो ये था पूरा कान्हा का एक ट्रिप था जो हमने करा था, उसकी मैंने पूरी वीडियो डाली है विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री। एवरीथिंग वॉज देयर कि हमने इसमें क्या क्या साइट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइगर टू इवन स्मॉल एनिमल लाइक पीकॉक हो गया, डियर हो गए, बाइसन्स हो गए, सब कुछ हमें कहीं ना कहीं मिला हुआ है, वाइल्ड बोर मिला हुआ है राइट। बहुत कुछ हमें मिला है, तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई ट्राइड टू पुट एवरीथिंग राइट नाउ इन अ शॉर्ट वीडियो, दैट्स नॉट अ शॉर्ट वीडियो, इट्स बीन अराउंड 55 मिनट्स वीडियो। सो डेफिनेटली यू विल लाइक इट। यहाँ पर बाइसन क्रॉस किया था लास्ट में हमने, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट आए कि हमने बहुत ऑब्जर्व क्लोजली ऑब्जर्व किया एनिमल्स को, तो बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि बाइसन यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है राइट। तो डेफिनेटली इट्स अ रियली अ ग्रेट थिंग। नाउ देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारा एंडिंग हुआ उसमें हमें दो डियर दिखे, दो डियर आके काइंड ऑफ थिंग ऐसा था कि एक काइंड ऑफ बाय बाय वाला कहानी थी। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना फ्रेंड से, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। डेफिनेटली आई ट्राई टू ब्रिंग वॉट आई कैन गिव फॉर यू राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।